फिर ये सब खड़े होंगे तो ना 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 फिर सब खड़े होंगे तो पिछड़े वालों को कुछ भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बंद रखो क्यों मत बंद मत रखो क्यों देखो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नहीं भाई वो एक पर ही फोकस हो गया। अब मैं डिफाइन करूंगा तीनों कलर को। इससे पहले मैं ये बात एक दो चीजें और बताऊं। जम्मू में भी कुछ कंडी इलाकों में ये ज़्यादा बारिश की वजह से वो दूर दराज इलाकों में फसल बर्बाद हुई, उनका भी कंपनसेशन होना चाहिए। और नवरात्रि आज से शुरू हुई, मैंने इसका उल्लेख पहले ही कहा है, आज नहीं कहा लेकिन हफ्ता भर पहले कि मैं पहले 23 तारीख को ही अनाउंस करना चाहता था, फिर देखा कि श्राद्ध है तो हमने सोचा कि नवरात्रि के पहले शुभ अवसर पर हम भी एक नई शुरुआत करें। तो इस अवसर पर जबकि हमने नई पार्टी की शुरुआत की है, इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी मेरे भाइयों को और देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और अल्लाह करे भगवान करे कि हमारे देश में शांति हो, सब प्यार से रहें, अमन से रहें, हमारी स्टेट में भी सब शांति अमन से रहें, खुशहाली हो, सब खुश रहें, सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग जहाँ जहाँ भी है। तो पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। आजाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आजाद, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। और पार्टी डेमोक्रेटिक रहेगी, नीचे से इलेक्शन सब रहेंगे, ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगी, एक हाथ में पावर नहीं रहेगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें प्रावधान होगा टोटल डेमोक्रेसी के आधार पर, और पार्टी की जो सोच होगी वो स्वतंत्र होगी, आजाद होगी। हमारी पार्टी का जो फ्लैग है